नमस्कार, मैं रोहित महाजन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको जेओ के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आरआरबी क्लर्क पीओ के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में जहां भी कंप्यूटर आता है ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस। तो बिल्कुल 101 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, DCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप डेटाबेस डेवलपर रेफरेंस टू आ रिकॉर्ड एज। तो बिल्कुल जी 102 का सी ऑप्शन आ जाएगा, ए टूपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मिंग इज नोन एज। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन एमएस एक्सेस। तो बिल्कुल जी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार प्रकार के जो है रिलेशनशिप्स होते हैं एमएस एक्सेस में, ठीक है। एमएस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेफ डाटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, .accdb इसका जो है एक्सटेंशन होती है। तो हमने प्रीवियस वीडियो आप देखिए कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे हमने सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, सभी के एक्सटेंशन हमने डिस्कस की है। तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा क्योंकि एक एक्सटेंशन एग्जाम में ज़रूर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, वर्कशीट। आपको पता ही है वर्कशीट किस में होती है, वर्कशीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और साथ में वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन एमएस एक्सेस। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस। तो बिल्कुल जी पिक्चर्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर। तो हम बात करें, ये जो है सभी में होता है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ये वेब एड्रेसेस में होता है, ईमेल एड्रेसेस में होता है, पाथ ऑफ अ फाइल होता है। तो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+K, ठीक है, जिससे आप ये जो है लिंक यूज़ करके आप कहीं भी दूर दराज जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो 50 शीटें बना रखी हैं ना, आपका जो है लंबा काम है, 50 शीटें आपने बनाई हैं, तो आपने पहली शीट में हाइपरलिंक बना लिए। तो अगर आप मान लो 50 शीट पे जाना चाहते हो तो आपने 50 नंबर पे जहाँ पे हाइपरलिंक लगाया होगा क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपकी जो है 50वीं शीट जो है ओपन हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है हाइपरलिंक का, जो है काम जो है शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेक इन एमएस एक्सेस। बिल्कुल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, F7 शॉर्टकट की का यूज़ होता है स्पेल चेक करने के लिए। ये आप एमएस वर्ड में कीजिए तब भी F7 होगा, एमएस एक्सेस में कीजिए तब भी ये रहेगा। बाकी F2 का यूज़ रीनेम करने के लिए होता है, अगर आपने किसी भी फाइल का जो है रीनेम करना, एडिट करना है, तो उसके लिए F2 का यूज़ होता है। F1 का यूज़ होता है हेल्प के लिए, ठीक है। तो F5 का यूज़ होता है रिफ्रेश के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ। तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, नेटवर्क। आपको पता ही है टू और मोर कंप्यूटर यानी कि दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो किससे थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे लाइन, हमने पीछे नेटवर्किंग भी पढ़ी थी, डिस्कस की थी, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से डीपली हमने बताया था कि किस प्रकार जो है कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, जरूर आपको हेल्प मिलेगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, जहाँ पे आपका कंप्यूटर आता है, 100% आपको जो है वो क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैनल रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज मेजर इन। तो बिल्कुल जी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिट पर सेकेंड जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर अ डेटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ब्लूटूथ को हम लोकल नेटवर्क भी हम कहते हैं ना, जिससे जो है
आप लोग कुछ भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर टू यूज इट इज कॉल्ड। तो बिल्कुल जी, सर्वर। देखो सारे कनेक्ट जो है, जिस एक कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन रेफर टू। तो बिल्कुल जी, हमने मैन की पहले भी फुल फॉर्म डिस्कस की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSMA CDR प्रोटोकॉल ऑफ। तो बिल्कुल जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, बस टॉपोलॉजी। तो हमने पूरी टॉपोलॉजी अच्छे से डिस्कस की है एक वीडियो में ना, बिल्कुल डीपली। तो ज़रूर आप जो है टॉपोलॉजी पिछली वीडियो में जाके रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो कितनी टॉपोलॉजी होती है टोटल हमारी, कमेंट करके बताइए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो बिल्कुल जी, गेटवे इसका आंसर आ जाएगा। द कॉमन नेम फॉर है मॉड्यूलर डिमोड्यूलर इज। तो बिल्कुल जी, नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, IP एड्रेसेस कैन बी रिटन इन। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डॉटेड डेसिमल नोटेशन से जो है आप IP एड्रेस लिख सकते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन तो खत्म हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन GS के हैं, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 121 क्वेश्चन है, पाणिनि किस समय दौरान थे। अब देखो, अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी है, पाणिनि, बड़ी फेमस बुक है, पेपर में एग्जाम में जरूर आती है ये ना। तो ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो है, तो बिल्कुल जी, हम पाणिनि जी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th to 5th century में थे पाणिनि जी, है ना। तो अगर आप पाणिनि जी के दर्शन करना चाहते हैं तो ये थे हमारे संस्कृत ग्रामर के मशहूर पाणिनि जी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिन मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो बिल्कुल सम्यक इच्छा शामिल नहीं है, सम्यक आचरण, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक चिंतन, ये तीन है ना, ये नहीं है शामिल इसमें, अष्ट मार्ग जो है इनके, ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघधनिष्ठ निम्न में से किस राजा के राजदूत थे। तो बिल्कुल जी, सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत थे मेघधनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे। बिल्कुल फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा गुलाम थे, ठीक है। तो बलबन ने नवरोज की जो है शुरुआत की थी, हमने डिस्कस किया आज की सवेरे करंट अफेयर की वीडियो में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, आप इनके बारे में जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को जी स्वप्न शील पागल रक्त पिपासु कहा जाता था, ठीक है। इनके टाइम पे इब्न बतूता नामक एक अफ्रीकी यात्री जो है आए थे, बड़े फेमस। तो इब्न बतूता जी ने एक रहला नामक बुक भी लिखी थी, और मोहम्मद बिन तुगलक फेमस कैसे हुए थे कि इन्होंने टोकन करेंसी भी चलाई थी, ठीक है। तो इसके लिए वो काफ़ी फेमस हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह थे। तो बिल्कुल जी, मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह। भारत में सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो मुंबई में स्थापित की गई थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। तो अगर हम बात करें, मूल शंकर इनका जो है मूल नाम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जी, दादाभाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड फॉर्म। तो बिल्कुल जी, पैनक्रियास के द्वारा जो है इंसुलिन जो है सेक्रेट किया जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो शुगर हो जाती है ना। अगर हम बात करें इंसुलिन की, पैनक्रियास के बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। इंसुलिन कम हो तो शुगर बढ़ जाती है। तो
तो अगर हम लीवर की बात करें, अब देखो लीवर एक ऑर्गन है। अब लीवर में क्या होता है कि एक बाइल जूस जो है वो बनता है। अब देखो बाइल जूस जो होता है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। और सेक्रीट कौन करता है बाइल जूस को, लीवर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेरी बेरी। अब देखो विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, करेक्ट आंसर। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से हड्डियों का रोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, लाइकेन से जो है ऑब्टेन होता है। तो कौन सा भारत का पहला जिला है जिसमें 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन डी सूरत जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एक इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 10th फ्रॉम राइट। तो देखिए रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग सेक्शन में जाइए, वहाँ अल्फाबेट का अच्छे से चैप्टर डिस्कस किया है, ठीक है। वहाँ जाके देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, आप खुद कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिल्कुल ये आप जो है सभी जानते हैं, तो कमेंट कीजिए। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन हिमाचल प्रदेश, ये भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है क्वेश्चन, ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसके बाद थोड़े जीएस के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।